कहानी शुरू होती है एक पपेट थिएटर से, जहां बैस्टर नाम का एक पपेट मास्टर लोगों को अपना पपेट शो दिखा रहा होता है। वो इस काम में बहुत ही माहिर था। वो एक मैजिकल डिस्क की मदद से उन पपेट्स में जान डाल देता था, जिसकी वजह से लोगों को उनका परफॉर्मेंस बहुत पसंद आता था। पर बैस्टर के और अच्छा बनने की जिद ने उसमें घमंड और लालच पैदा किया। वो अब शहर के सारे लोगों को भी उस डिस्क की मदद से पपेट बना देना चाहता था, ताकि वो सबको अपनी मर्जी के हिसाब से कंट्रोल कर सके। उसके पास तीन पपेट्स थे, जिनके नाम थे ग्रम्पी, ब्रेनली और डिम्पिट। वो सारे पपेट्स बैस्टर को उस डिस्क से छेड़छाड़ करने से मना करते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उस डिस्क में चेंजेज करने से क्या होगा। पर बैस्टर उनकी एक नहीं सुनता है और वो उस डिस्क में कुछ चेंजेज करके उसे ऑन कर देता है। उस डिस्क के ऑन होते ही वहाँ लाइटनिंग होने लगती है, और देखते ही देखते बैस्टर का हाथ अचानक से बड़ा हो जाता है, जो देखने में किसी लकड़ी का बना हुआ लग रहा था। वो अब बहुत ही बड़ा हो चुका था। वो हंसने लगता है। उसे इस रूप में देखकर वो तीनों पपेट्स भी बहुत डर रहे होते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होती है और हम हार्वी नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो अपने डॉग जेरी के साथ अपनी साइकिल से स्टंट करता हुआ अपने घर पहुँचता है। वहाँ उसे उसकी दोस्त मोनिका मिलती है। हार्वी उससे कहता है कि आज उसने एक नई गेम खरीदी है, जिसका नाम पपेट मास्टर है, और वो अपने घर के अंदर जाने लगता है। मोनिका उससे कहती है कि स्कूल ट्रिप के लिए अपने पेरेंट्स से परमिशन लेना मत भूलना। हार्वी घर आकर देखता है उसके डैड अपने म्यूजियम का प्रेजेंटेशन बनाने में बिजी हैं। वो अपने कमरे में चला जाता है और अपना नया गेम खेलने लगता है। तभी कुछ देर बाद उसके डैड उसके कमरे में आते हैं। वो जल्दी से अपना गेम को छुपाकर पढ़ने का नाटक करने लगता है। उसके डैड उससे कहते हैं कि वो काम पे जा रहे हैं और उसे सारा दिन गेम खेलने से मना करके वहाँ से चले जाते हैं। उनके वहाँ से जाते ही हार्वी फिर से गेम खेलने में बिजी हो जाता है। वो गेम खेलने में इतना बिजी था कि उसे पता भी नहीं चलता है कि कब रात से वापस सुबह हो गई। उसने पूरा गेम खत्म कर लिया था। अब उसे सिर्फ अपना नाम एंटर करना था, जिससे वो उस गेम के हॉल ऑफ फेम में शामिल हो जाएगा। वो बहुत खुश हो जाता है। तभी उसे आवाज़ आती है कि उसके डैड घर आ चुके हैं। वो तुरंत गेम को एक बोर्ड से छुपाकर सोने का नाटक करने लगता है। उसके डैड देखते हैं कि वो अभी तक सो रहा है। वो उसे देखने जाते हैं, पर हार्वी के जूतों पर पैर पड़ने की वजह से वो वहीं गिर जाते हैं, और इसी के चलते हार्वी का कंप्यूटर भी दिखने लगता है। वो जल्दी से उसे छुपाने की कोशिश करने लगता है, पर उसके डैड देख लेते हैं और उससे गुस्से में कहते हैं कि वो फिर से सारा दिन गेम खेलता रहा। हार्वी जल्दी से अपना नाम टाइप करने लगता है, पर उसके डैड उसके हाथ से जॉयस्टिक छीन लेते हैं, और छीना झपटी में हार्वी का कंप्यूटर टूट जाता है। हार्वी अपने डैड से गुस्सा होकर चला जाता है। वो कहता है कि वो कभी उससे प्यार नहीं करते। हार्वी अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। वो घड़ी में देखता है कि वो बहुत लेट हो चुका है। वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है। इधर मोनिका अपने टीचर को हार्वी का वेट करने को कह रही होती है, पर वो सब बिना हार्वी को लिए ही ट्रिप पे चले जाते हैं। हार्वी वहाँ देखता है कि उनके शहर का मेयर वहाँ के म्यूजियम तुड़वा रहा है। ये वही म्यूजियम था जिसे उसके डैड बचाने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ दो वर्कर अपने जेसीबी से उस म्यूजियम को तोड़ने के लिए बढ़ते हैं, पर जेरी उन्हें रोकने लगता है। हार्वी भी उन्हें रोकने के लिए वहाँ आ जाता है। वो एक पत्थर उठाकर उनकी तरफ फेंकता है, जो उस जेसीबी के इंजन में चली जाती है, जिसकी वजह से वो खराब हो जाता है और वो जेसीबी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वहीं कुछ दूर पे मोनिका भी छुपकर ये देख रही थी। वो भी हार्वी के चलते अपने ट्रिप पे नहीं गई थी। हार्वी के डैड वहाँ के मेयर को कॉल करके उस म्यूजियम को तोड़ने से मना कर रहे थे, क्योंकि वो उनकी शहर की एक बहुत पुरानी धरोहर है, जिसे उन्हें अच्छे से संभाल कर रखना चाहिए। पर मेयर उसे बताता है कि अब तक तो वो म्यूजियम टूट भी चुका होगा। वो जल्दी से म्यूजियम की तरफ भागता है। इधर जेसीबी के आगे का हैमर गिरने की वजह से म्यूजियम के आगे बहुत बड़ा सा गड्ढा होने लगता है, जिसमें हार्वी और जेरी गिर जाते हैं। उसे बचाने के लिए मोनिका आती है और वो भी उसके अंदर गिर जाती है। हार्वी को वहाँ अंदर एक कमरा दिखाई देता है, जहाँ बहुत से डरावने दिखने वाले पपेट्स रखे हुए थे। हार्वी को वहाँ मोनिका भी मिलती है। तभी हार्वी को वहाँ दीवार पर एक डिस्क दिखाई देता है, जो उसे उसके जॉयस्टिक की तरह ही लगता है। वो उसे वहाँ से निकाल लेता है और उसे ऑन कर देता है। वहाँ फिर से वही लाइटनिंग होती है और वहाँ के नीचे से एक घूमती हुई सीढ़ी निकलती है, जो ऊपर की तरफ जाती है। वो तीनों उसके सहारे ऊपर आ जाते हैं। हार्वी के डैड भी भागते भागते म्यूजियम तक पहुँच चुके थे। वो देखते हैं कि म्यूजियम तो अभी भी सही सलामत है। हार्वी, मोनिका और जेरी ऊपर एक बहुत बड़े रूम में पहुँच चुके थे। वहाँ उन्हें बहुत से पपेट्स दिखाई देते हैं। तभी वहाँ उन्हें वही तीन बैस्टर के पपेट्स दिखाई देते हैं। डैम्पिट ब्रेनी से कहता है कि हार्वी के हाथ में वो मैजिकल डिस्क है, मतलब यही हमारा नया मास्टर है। वो हार्वी से पूछता है कि क्या वो उनका नया मास्टर है। हार्वी कहता है कि वो किसी का मास्टर नहीं है। तब ब्रेनी हार्वी को समझाता है
कि उसके हाथ में जो डिस्क है उसी की मदद से पपेट मास्टर सारे पपेट्स को कंट्रोल करता है। हार्वी उसे गौर से देखने लगता है और कहता है कि क्या वो भी इन्हें कंट्रोल कर सकता है। ब्रेनी उसे कहता है कि तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम इस डिस्क की पावर को संभाल सकते हो, उसके बाद तुम एक पपेट मास्टर बन जाओगे और फिर तुम सारे पपेट्स को वापस से जिंदा करके इस थिएटर को पहले की तरह ही खूबसूरत बना सकते हो। मोनिका उनसे कहती है कि ये कोई थिएटर नहीं बल्कि म्यूजियम है जो कि कुछ दिनों में ही तोड़ दी जाएगी। वो तीनों वहां से जाने लगते हैं। तब वो तीनों पपेट उन्हें अपने पुराने मास्टर बेस्टर की कहानी एक प्ले के जरिए बताते हैं कि कैसे उनके मास्टर ने पावर के नशे में अंधे होकर अपने हार्ट को इस डिस्क में डाल दिया, पर उसके बाद उसे इस डिस्क के पावर ने हमेशा के लिए कैद कर लिया। डिम्पिट हार्वी से कहता है कि वो चाहते हैं कि वो उनका नया मास्टर बने और उनके ग्रेटेस्ट मास्टर के हॉल ऑफ फेम में शामिल हो जाएं। ये सुन के हार्वी को उसके गेम की याद आती है और वो उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है। वो हार्वी को ये डिस्क वहाँ ऊपर सेंटर में रख देने को कहते हैं जिससे उनके बाकी के पपेट्स जिंदा हो जाएंगे। हार्वी डिस्क के पीछे एक बटन के बारे में पूछता है। ब्रेनी उससे वो बटन को हाथ लगाने से मना करता है क्योंकि इसी की वजह से उसके पुराने मास्टर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। हार्वी उस डिस्क को फिर से घुमाता है और इस बार उसकी वजह से एक ड्रैगन पपेट वहां गिरता है जो अपने मुंह से आग भी निकाल सकता था और हार्वी उस डिस्क की मदद से उसे कंट्रोल कर सकता था। ब्रेनी हार्वी को वो डिस्क को उसके सही जगह पर रख देने को कहता है जो बिल्कुल उनके ऊपर था। तभी वहां हार्वी के डैड अंदर आ जाते हैं। सारे पपेट्स अपने आप को छुपाने लगते हैं। वो ड्रैगन भी वहीं बेजान पपेट की तरह ही लेट जाता है। हार्वी के डैड उसे वहां देखकर उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। वो कहते हैं कि उसने उनके पूरे म्यूजियम को बर्बाद कर दिया। हार्वी अपने डैड को समझाने की कोशिश करने लगता है और उन्हें वो मैजिक डिस्क भी दिखाता है और उन्हें सब कुछ बताता है उस मैजिकल डिस्क के बारे में और उन्हें सब कुछ बताता है उन पपेट्स के बारे में। पर उसके डैड उसकी कोई भी बातों का भरोसा नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि हार्वी हमेशा की तरह बस बातें बना रहा है। हार्वी उस ड्रैगन को उठाकर उन्हें दिखाने की कोशिश करता है पर वो ड्रैगन बिना कोई हरकत किए वैसे ही पड़ा रहता है। हार्वी इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि कभी भी उसके डैड उस पर भरोसा नहीं करते क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने म्यूजियम से प्यार है। उसके डैड भी सोचने लगते हैं कि वो हार्वी पे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर गए और वो उस डिस्क को उसे वापस देने लगते हैं। तभी पीछे से ग्रम्पी उन्हें मारकर गिरा देता है और वो बाकी सभी पपेट्स डिस्क को गिरने से बचाते हैं। ब्रेनी वो डिस्क हार्वी को दे देता है और जल्दी से उसे ऊपर वहां लगा देने को कहता है। हार्वी उस ड्रैगन पे बैठ जाता है और ऊपर की तरफ जाने लगता है। उसके डैड उसके पीछे भागते हैं और वो उस ड्रैगन की पूंछ में लटक जाते हैं। किसी तरह हार्वी ऊपर तक पहुंच पाता है। उसके डैड अभी भी वहीं हवा में लटके हुए थे। वो हार्वी को मना कर रहे होते हैं पर हार्वी उस डिस्क को वहां सेंटर में लगा देता है जिसके बाद वो पूरा म्यूजियम ऊपर आसमान की तरफ जाने लगता है। ब्रेनी उससे कहता है कि ये डिस्क को स्टॉर्म क्लाउड से एनर्जी मिलेगी और सारे पपेट्स जिंदा हो जाएंगे। कुछ देर में ही उनका म्यूजियम स्टॉर्म क्लाउड तक पहुंच चुका था और उससे डिस्क को एनर्जी मिलती है जो वहां बाकी के पपेट्स तक पहुंचती है और वो सब जिंदा होने लगते हैं। पर तभी हार्वी के डैड आकर उस डिस्क को निकाल देते हैं और वो म्यूजियम वापस से नीचे अपने जगह पे आ जाता है। हार्वी अपने डैड पे बहुत गुस्सा करता है कि वो कब उस पे बिलीव करना शुरू करेंगे। वो जाकर डिस्क को उठाता है। वो अब भी काम कर रहा था और तभी वहाँ हॉल ऑफ फेम का बोर्ड उनके सामने उभरता है। वहाँ अब तक के सारे ग्रेटेस्ट मास्टर की लिस्ट में हार्वी का भी नाम होता है। वहाँ के सारे पपेट्स हार्वी की जीत में उसके लिए उसे बधाई देने लगते हैं। तभी हार्वी के नीचे वही सीढ़ी खुलती है और वो सब नीचे के रूम में पहुँच जाते हैं जहाँ वो डरावने से दिखने वाले पपेट्स रखे थे। हार्वी उन सारे पपेट्स को भी जिंदा करने का सोचता है। सब उसे ऐसा करने से मना करते हैं पर हार्वी कहता है कि वो अब एक मास्टर है इसलिए वो इन सबको भी जिंदा करेगा। वो उन सबको जिंदा करने की कोशिश करने लगता है पर वो डिस्क काम नहीं कर रहा था। वो उस डिस्क के पीछे के बटन को दबा देता है। उसके ऐसा करते ही वहाँ नीचे से एक बॉक्स निकलता है जिसमें उन पपेट्स का पुराना मास्टर बेस्टर होता है। बेस्टर अपने पावर से वहाँ के पपेट्स को जिंदा करने लगता है जो सब उसके गुलाम थे। ग्रम्पी उसे ये सब बंद करने को कहता है पर वो उसे और ब्रेनी को भी अपना गुलाम बना लेता है। हार्वी अपने डिस्क की मदद से उसे रोकने की कोशिश करता है पर बेस्टर उसे वो डिस्क उसे दे देने को कहता है। पर हार्वी उससे कहता है कि वो उसे हराकर इन सबको उसकी गुलामी से आज़ाद करवा देगा। बेस्टर उस पर हमला कर देता है और उससे वो डिस्क छीनने की कोशिश करने लगता है। हार्वी को बचाने के लिए उसके डैड आगे आते हैं पर बेस्टर अपने पावर से उन्हें भी एक पपेट बना देता है और वहाँ के सारे पपेट्स हार्वी को पकड़ने के लिए उसकी तरफ जाते हैं। बेस्टर हार्वी के हाथ से वो डिस्क छीन लेता है। वो तीनों किसी तरह अपने आप को उन पपेट से बचाकर वहाँ के दरवाजे के थ्रू एक दूसरे रूम में आ जाते हैं। वो जगह उन्हें एक लैब की तरह लग रही थी। ये वही जगह थी जहाँ बेस्टर ने उस डिस्क में चेंजेस किए थे। मोनिका हार्वी से कहती है कि उन्हें बेस्टर से वो डिस्क हासिल करनी होगी
तभी उसके डैड और वो पपेट्स वापस आ सकते हैं। हार्वी को वहाँ बैस्टर की तस्वीर दिखाई देती है जिसमें उसके हार्ट की जगह वो डिस्क लगी थी। वो अब वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं, तभी जेरी उन्हें एक रास्ता दिखाता है। वहाँ एक लिफ्ट थी ऊपर जाने के लिए, वो उसके सहारे ऊपर जाने लगते हैं। बैस्टर बाहर आकर शहर के लोग और पूरे शहर को ही पपेट्स में बदलने लगता है। तब तक हार्वी और मोनिका भी ऊपर पहुंच चुके थे। हार्वी छुपता हुआ बैस्टर के नज़दीक पहुंचता है और किसी तरह उससे वो डिस्क छीन लेता है और वो भागकर उस डिस्क को वापस से उसके जगह पे लगा देता है, जिससे उसके डैड और वो तीनों पपेट्स वापस से जिंदा हो जाते हैं। पर बैस्टर फिर से वो डिस्क हार्वी से छीन लेता है और उसे वहाँ ऊपर से नीचे फेंक देता है। पर उसके डैड उस ड्रैगन को लेकर आते हैं और उसे बचा लेते हैं। वो कहते हैं कि उसे किसी भी हाल में इस बैस्टर को हराना होगा, नहीं तो वो पूरे शहर को पपेट्स में बदल देगा। हार्वी उसे रोकने पहुंचता है। वो बैस्टर अपने बैट्स को उस पर हमला करने भेजता है, पर ड्रैगन की आग से वो सारे बैट्स खत्म हो जाते हैं। बैस्टर अब भी अपने पावर से उन पर हमला कर रहा होता है। हार्वी उसके हमलों से बचने की कोशिश कर रहा था। वो अपने डैड से उसका ध्यान भटकाने को कहता है और वो जाकर उससे वो डिस्क छीन लेगा। वो सब बैस्टर की तरफ बढ़ते हैं। उसके डैड वहाँ से जंप करके बैस्टर तक पहुँचते हैं और वो जल्दी से कूदकर उसके हाथ से वो डिस्क छीन लेता है। पर बैस्टर मोनिका को पकड़ लेता है और उसके बदले में उससे वो डिस्क वापस मांगता है। हार्वी सोचने लगता है कि इस डिस्क में ऐसा क्या है कि इसे लेने के लिए ये कुछ भी कर सकता है। तब उसे बैस्टर की तस्वीर याद आती है और वो जाकर उस डिस्क को उसके हार्ट के पास लगा देता है, जिसके तुरंत बाद उसके शरीर से ग्रीन कलर के गैस निकलने लगते हैं और वो अपने असली रूप में आ जाता है। बैस्टर हार्वी को उसके वापस से असली रूप में लाने के लिए थैंक्स बोलता है और वो गायब हो जाता है। सारे लोग जो पपेट्स बन चुके थे वो वापस से ठीक हो जाते हैं। उस डिस्क को म्यूजियम में रख दिया जाता है, जिसे देखने के लिए बहुत से लोग आने लगे थे, और उस पपेट थिएटर को भी शहर के लोगों के लिए फिर से खोल दिया गया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।